चोरों ने की व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट। जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक के चंद्रपुर में बाइक सवार दो लुटेरों ने व्यापारी महावीर अग्रवाल से बैग में रखे तकरीबन 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। व्यापारी से लुटेरों ने तकरीबन शाम 7:30 बजे मंदिर जाने का रास्ता पूछा और मौका पाकर व्यापारी के स्कूटी के सामने रखे बैग को लेकर फरार हो गए, जिस पर व्यापारी ने कुछ दूरी तक पीछा भी किया लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। लगातार क्षेत्र में हो रही घटनाओं से बदमाशों में पुलिस का भय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। घटना की सूचना व्यापारी ने चंद्रपुर थाने में जाकर बताई, जिस पर लूट का मामला दर्ज कर चंद्रपुर नगर में लगे सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की तलाश चंद्रपुर पुलिस कर रही है। नवभारत समाचार जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से देवराम धीवर की रिपोर्ट। अग्रवाल अपनी दुकान से आ रहा था तो मेरे को वहाँ वीडियो हॉल के पास में रोक के ना बोला, मेरे को वहाँ मंदिर का रास्ता बताइए। तो मैं बोला, मैं हाथ से बोला, मैं सीधा निकल जाओ आप और गली में चले जाना। तो वो लोग बोले, ये रास्ता है क्या? हाँ। तो पीछे में जो बैठा हुआ आदमी था ना, तो मैं बैग को उठाया और फिर वो लोग भूसा गली से निकल गए। मैं कुछ चिल्लाया भी, अरे मैं तो आपको इधर से बताया हूँ, आप इधर जा रहे हो। तो देखा तो मेरा बैग नहीं था, तो मैं दौड़ाया भी उनको, तो निकल गए थे। कितना पैसा था उसमें? करीब 2.5 लाख रुपये। करीबन 7:30 बजे दुकान बंद करके विनोद ट्रेडर्स के स्वामी हैं संचालक महावीर अग्रवाल वापस अपने घर जा रहे थे। रात करीबन 7:36 पर रेस्ट हाउस के पीछे दो अज्ञात व्यक्ति एक स्कूटी से आए और उनके पीछे से आवाज़ देकर रुकवाए हैं। मंदिर जाने का रास्ता पूछा उन्होंने। जब हाथ से इशारा करके मंदिर का रास्ता बताया जा रहा था, उसी समय उनके स्कूटी में सामने रखा उनका जो पैसे से भरा बैग है वो लिफ्ट करके ले गए। आरोपी भाग गए। बैग में तकरीबन 2,40,000 रुपये कैश और उनके कुछ खाता खतौनी वगैरह थे जो चले गए हैं। और इस मामले को लूट का प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसकी खोजबीन की जांच कार्रवाई की जा रही है।